हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप सब भी फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, फेस स्मूथ करना चाहते हैं, फेस को वाइट करना चाहते हैं और कलर गार्डिंग करना चाहते हो, तो आप सब बस इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक के देखते रहिए। आप सभी इसी तरीके का फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि पहले मेरा फेस कैसा था, अभी कितना बाल कर दिखने लगा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, आप सभी इसी तरीके का फेस स्मूथ और कलर टोन डालना चाहते हैं, तो दोस्तों बस आप सब शुरू से लेकर के अंत तक के देखते रहिए। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो प्लीज़ दबा लें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। सब बस स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए वीडियो को, आप सबको कोई स्टेप नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आप फोटो को एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आज हम इस फोटो को एडिटिंग करेंगे, फेस स्मूथ और फेस को गोरा भी करने वाले हैं। देख सकते हैं अभी फोटो कैसा है, उसके बाद एडिटिंग हो जाने के बाद आप सब देखेगा रिजल्ट कितना बवाल का होगा। तो दोस्तों, चलिए एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले हम फोटो को शेयर करके यहाँ से पिक आर्ट में ले चलते हैं। पहले थोड़ा सा बटरफ्लाई को डालेंगे बैकग्राउंड पर ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो यहाँ से हम पहले पिक आर्ट में चलते हैं। तो यहाँ से पिक्स आर्ट में हम फोटो को ले जा रहे हैं, चार्ट ओपन हो चुका है, इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा फोटो ओपन हो चुका है। तो उसके बाद पहले हम रिसाइज पे क्लिक करके यहाँ पे इसका साइज को हम अति कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, उसके बाद 8000 डाल देते हैं। उसके बाद रिसाइज पे क्लिक करके यहाँ से 1901 आया तो 1901 डाल देते हैं। उसके बाद रिसाइज पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम रिसाइज इसलिए कर दें पहले कि फोटो अगर सेव करेंगे तो फिर बाद में धुंधला नहीं दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ से इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें क्या आ गया, यहाँ पे ब्रशेस पे चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं बटरफ्लाई किधर है। यहाँ बटरफ्लाई, उसके बाद यहाँ पहले हम ये ले लेते हैं। इसको लेने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड पे थोड़ा सा इधर डाल देते हैं ताकि अच्छा दिखे। उसके बाद यहाँ से बटरफ्लाई पे चले जाएंगे और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं लगभग इतना। उसके बाद यहाँ से बटरफ्लाई भी डाल देते हैं, यहाँ से इतना ठीक है। यहाँ पे भी एक डाल देते हैं, यहाँ पे भी एक डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से सही पे क्लिक कर देंगे। तो है दोस्तों, हम लाइट रूम में आ चुके हैं। लाइट रूम में आने के बाद यहाँ से फोटो भी ले चुके हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि अभी फोटो कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से जो हम प्रीसेट देंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्रीसेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम प्रीसेट ले लेते हैं। तो यहाँ से हम प्रीसेट ले लेते हैं। तो यहाँ से प्रीसेट हम ये वाला लेंगे, दिखा देते हैं ये वाला प्रीसेट है। यहाँ से ओपन कर लेते हैं प्रीसेट को। तो यहाँ से ये वाला प्रीसेट ले, ये प्रीसेट का लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल भी डाल देंगे, लिंक भी डाल देंगे। आप वहाँ से जाकर के ये प्रीसेट डाउनलोड कर लीजिएगा लाइटरूम का। उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद साइड पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो कहाँ गया, तो यहाँ है फ़ोटो। फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों देखिएगा रिजल्ट कितना बवाल का होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फेस पे भी लाइटिंग कितना अच्छा आ चुका है, बैकग्राउंड में भी कितना अच्छा लाइटिंग आ चुका है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम लाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका एक्सपोजर पर जाकर के इसका लाइट को थोड़ा सा इसको हम इतना बैठेंगे। उसके बाद यहाँ से कलर वाले पर चले जाते हैं और आप सभी अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और उसके बाद यहाँ से इस पर जाकर के इसको थोड़ा सा माइनस करके इसका लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद पीला पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा देख लेते हैं लुमिनेंस, नहीं ये ठीक है। तो इसको भी पूरा कर देते हैं, गेम पे भी ठीक है। उसके बाद इसको ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस पर आने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इतना ठीक है, उसके बाद डन कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ से लाइटरूम का काम हो चुका है। तो अब यहाँ से हम इसे ऑटोडेस्क स्केचबुक में ले चलते हैं यहाँ से फेस स्मूथ करने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाएं तो प्लीज़ दबा दें ताकि मैं इसी वीडियो लेकर आऊँ तो आप सबको पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सब भी इसी तरीके का एडिटिंग कर पाएं। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को भी लाइक कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कमेंट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसे डायरेक्ट ब्लैक ऑटोडेस्क स्केचबुक में ले चलते हैं फोटो को। तो ये दोस्तों, हम ऑटोडेस्क स्केचबुक में आ चुके हैं। ऑटोडेस्क स्केचबुक में आने के बाद यहाँ से फोटो भी ले चुके हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, अभी फोटो में कितना अच्छी आ रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से ब्रश वाले पे चले जाना। उसके बाद ये ब्रश ले लेना है। उसके बाद इसका सेटिंग देख लीजिए दोस्तों। यहाँ से हम फोटो को 3 रखेंगे, स्ट्रेंथ को 8 रखेंगे और साइज अपने फोटो के हिसाब से रखेंगे। तो इस साइज को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से फेस स्मूथ करना स्टार्ट कर दे रहे हैं दोस्तों। बस आप सब स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और ब्रश को सीधा सीधा चलाते रहिएगा ताकि आप सबको फेस स्मूथ होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि फेस स्मूथ कितना ईजिली हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फेस स्मूथ करने में। बस आप सब आराम आराम से कीजिएगा तो कोई भी फेस स्मूथ करने में आप सबको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आप सब ब्रश को सीधा सीधा चलाइएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम इजीली फेस स्मूथ कर रहे हैं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छे से हो रहा है फेस स्मूथ। उसके बाद यहाँ से इसके साइड साइड अच्छे से इसको बनाइएगा। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इधर ले चलते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कितना ईजिली फेस स्मूथ हो रहा है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं हो रहा।
बड़ा उसके बाद सीधा सीधा चला रहे हैं तो कितना बवाल का एडिटिंग फेस स्मूथ हो रहा है, कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा साइड कॉर्नर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से फेस स्मूथ करना फिर से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना इजीली फेस स्मूथ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा फेस स्मूथ होने में। देख सकते हैं दोस्तों इजीली फेस स्मूथ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों बस आप सब स्टेप बाय स्टेप देखिए वीडियो को और देखिए कैसे कैसे एडिटिंग होता है, फेस स्मूथ होता है। दोस्तों देख सकते हैं कितना इजीली फेस स्मूथ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा फेस स्मूथ होने में। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से फोटो को एडजस्ट कर करके इसको हम अच्छे से करें। इसके बाद इसका साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से इस पर अच्छे से इस पर गोला गोला चलाइएगा ताकि आप सबका दाढ़ी हम अच्छे से स्मूथ हो पाए। तो यहाँ से देख सकते हैं हम गोला गोला चला रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा सीधा चलाएंगे और यहाँ पे भी गोला चलाएंगे और उसके बाद यहाँ पे भी अच्छे से चलाइएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना इजीली फेस स्मूथ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा फेस स्मूथ होने में। तो दोस्तों आप सब भी अच्छे से स्मूथ कीजिएगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा ताकि आप सबको फेस स्मूथ करने में कोई भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे चलाइएगा तो आप सबका नाक हमें स्मूथ बहुत अच्छा से होगा। उसके बाद यहाँ से नाक पे आ जाते हैं, उसके बाद नाक पे अच्छे से करेंगे हम स्मूथ। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना इजीली फेस स्मूथ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से हम फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और नाक पे सीधा सीधा ब्रश चलाइएगा ताकि आप सबको नाक को स्मूथ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए बाद में, ताकि नाक आप सबका डल दिखे। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके चला रहे हैं ताकि अच्छे से बन सके। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ से आईब्रो के नीचे भी अच्छे से स्मूथ कीजिएगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा ताकि आप सबको स्मूथ करने में कोई प्रॉब्लम आए। तो उसके बाद इस साइड आ जाते हैं, इस साइड ईजिली कर लेते हैं अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फेस स्मूथ करने में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम आराम आराम से फिर भी इतना जल्दी फेस स्मूथ हो चुका है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा लिप पे भी स्मूथ कर देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इस साइड भी थोड़ा सा कर देते हैं। तो इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि कितना मस्त का दिखने लगा फेस स्मूथ। और उसके बाद यहाँ से इस साइड आ जाएंगे और कान पर भी अच्छे से स्मूथ कर देंगे, थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा ताकि आप सबको फेस स्मूथ करने में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पर अच्छे से कर रहे हैं, तो यहाँ से नाक पर भी स्मूथ, कान पर भी हो चुका है स्मूथ। उसके बाद दोस्तों इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ से हैंड पे आ जाते हैं और हैंड पे भी अच्छे से स्मूथ करेंगे। तो यहाँ से हम हैंड पे भी अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा ताकि आप सबको फेस स्मूथ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का मारेंगे हैंड पे, उसके बाद उंगली पे थोड़ा सा मारेंगे अच्छे से। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितना इजीली फेस स्मूथ हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ से इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं फेस स्मूथ हो चुका है। उसके बाद यहाँ से इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ से लेयर पर क्लिक करके यहाँ से फोटो वाले पर जाकर के एचसीएल पर क्लिक करके इसका हम सैचुरेशन को बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा माइनस कर देते हैं लगभग 5 तक का, उसका डन कर देंगे और उसका फिर से लेयर पे जाकर के यहाँ से कलर बैलेंस पे चले जाएंगे और इसका कलर बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से अच्छे से करेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ से साइडों पे चले जाएंगे, साइडों पे भी जाने के बाद इसका भी थोड़ा सा माइनस करेंगे, इसको थोड़ा सा प्लस कर देते हैं माइनस, तो इसको थोड़ा सा माइनस, इसको भी थोड़ा सा माइनस। उसके बाद हाईलाइट पर जाने के बाद, हाईलाइट पर जाने के बाद इसको थोड़ा सा प्लस कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सा प्लस कर दीजिएगा, थोड़ा सा इतना रख दीजिएगा। उसके बाद इस पर जाने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसको इतना पर रख दीजिएगा, उसका डन कर दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं फोटो का कितना अच्छा एचडी क्वालिटी आ चुका है। उसके बाद यहाँ से फोटो को यहाँ से सेव करके थोड़ा सा स्नैपशॉट में ले चलते हैं, स्नैपशॉट में ले जाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा जहाँ जहाँ पर ब्लैक ब्लैक है वहाँ वहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग दे देते हैं ताकि अच्छे से दिखे फोटो। तो यहाँ से हम इसको सेव कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ से तो दोस्तों यहाँ से स्नैपशॉट में आ चुके हैं, स्नैपशॉट में आने के बाद यहाँ से टूल पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद सेलेक्टिव पर चले जाएंगे, सेलेक्टिव पर जाने के बाद जहाँ जहाँ पर ब्लैक है वहाँ वहाँ पर हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं, जहाँ जहाँ पर ब्लैक होगा वहाँ वहाँ पर आप अच्छे से कर दीजिएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा देते हैं और उसके बाद यहाँ से हैंड पे देख सकते हैं कि कितना कम ब्राइटनेस है। तो यहाँ पे हम हैंड पे भी अच्छे से ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं और इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसका कंटेंट को भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस साइड भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा लाइटिंग कम है, तो यहाँ से इस साइड भी थोड़ा सा लाइट दे देते हैं। तो उसके बाद यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कितना मस्त हो चुका है। उसके बाद यहाँ से इस पर जाने के बाद इसका डिटेल्स पे क्लिक करके इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद डन कर देने के बाद यहाँ से इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा फिर से डिटेल्स पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा करके इस पर साइड पर क्लिक करके यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से डी पे जाकर यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से आप अपने हेयर पे अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपका हेयर अच्छे से दिखे, पूरा क्लियरली दिखे। तो यहाँ से हम अपने हेयर पे अच्छे से अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हम इस पर भी क्लियर अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कितना बाल का दिखने लगा, फिर से यहाँ से देख लेते हैं, फिर से यहाँ से डिटेल्स पे जाने के बाद इसका शार्पनिंग को भी देख लेते हैं, तो शार्पनिंग को ठीक है, इसका स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, देखो 4 तक रख देते हैं। उसका साइड पर क्लिक करके यहाँ से इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों आप इसे लाइट रूम में फिर से ले चलते हैं, अच्छा सा कलर गार्डिंग कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और एक एक्टिव बन जाए फोटो। तो चलिए दोस्तों आप लाइट रूम में दिखाते हैं कितना बवाल का और एडिटिंग हो जाता है कलर गार्डिंग करने के बाद। तो यहाँ से हम लाइट रूम में चले जाते हैं, यहाँ से फोटो को ले लेने के बाद दोस्तों देख सकते हैं अभी कैसा है फोटो। उसके बाद यहाँ से इसको लाइट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इसका ब्लैक को थोड़ा सा कम कर देते हैं लगभग 27 तक, उसका हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसका साइडों को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसका कंटेंट को भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं लगभग इतना, और उसके बाद इसका इसको हम थोड़ा सा माइनस कर देते हैं 9 तक।
उसके बाद दोस्तों यहाँ से कलर वाले पे चले जाएंगे। कलर वाले जाने पे इसका टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लगभग 10 तक रखेंगे। इसका सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लगभग 8 तक इसका वाइब्रेंस को भी बढ़ा देते हैं। और इसका टिंट को देख लेते हैं, टिंट को हम 5 तक रखेंगे। उसके बाद यहाँ से इस पर जाने के बाद इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद इस पर जाने के बाद इसका माइनस कर देते हैं और इसको थोड़ा सा प्लस कर देते हैं। उसके बाद येलो पे जाने के बाद इसको हम कम कर देते हैं। उसके बाद ग्रीन पे भी जाने के बाद इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त हो चुका है। एक सीन दोस्तों थोड़ा सा हम इसको कम करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको इस पर आने के बाद इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं एडजस्ट करके, इतना ठीक है। इसका भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद इस पर आ जाने के बाद इसको कोई को पूरा माइनस कर देना। उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद इस पर भी आ जाने के बाद इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद डन कर दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ से इस पर आने के बाद इसका इसको थोड़ा सा माइनस कर दीजिएगा ताकि आप सबका फेस बवाल का दिखे। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छी फेस हो चुका है, देख सकते हैं फोटो। उसके बाद यहाँ से दी हेज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लगभग 8 तक रख देते हैं। इसके बाद विगनेट को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, माइनस कर देते हैं। और उसके बाद मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा माइनस कर देते, इसको 41 पर रख दीजिएगा। फेदर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा 57 तक रख दीजिएगा। राउंडनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा करके 13 तक रख दीजिएगा। उसके बाद इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से फिर से इस पर आ जाने के बाद यहाँ से कलर गाइडिंग पर चले जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ से साइड पर क्लिक कर दीजिएगा और फोटो को थोड़ा सा इतना जम कर रखते रख दीजिएगा। और उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर, आप सब बस इसको अच्छे से देखते रहिए। आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कौन सा कलर अच्छा लगता है, देख लेते हैं। इसको इतना पे ठीक लग रहा है। उसके बाद इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसके बाद देख लेते हैं इसको इतना ठीक है। उसके बाद इस पर आ जाने के बाद इसको भी सैचुरेशन को बढ़ाइएगा और इसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा कौन सा कलर बवाल का दिख रहा है। तो यहाँ से ब्लू ये ठीक लग रहा है। उसके बाद इसका सैचुरेशन को कम कर दीजिएगा लगभग इतना। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों इसका लुमिनेंस को कम कर दीजिएगा, प्लस थोड़ा सा लुमिनेंस को बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद फिर से साइडों पर चले जाएंगे और इसको देख लेते हैं कौन सा कलर बवाल दिख रहा है। तो ये इतना ठीक लग रहा है। इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हाईलाइट पर आ जाने के बाद इसका देख लेते हैं। इसको भी ब्लू पे ले चलते हैं। उसके बाद इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद इस पर आ जाने के बाद इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ब्लू पर रख देते हैं। इसका सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब इसके बाद इस पर जाने के बाद यहाँ से क्रो पे क्लिक करके यहाँ से वाइट पे क्लिक करके यहाँ से देख लेते हैं पहले फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा माइनस करते हैं या प्लस देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इतना ठीक है, इतना ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद रेड पर आ जाने के बाद रेड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं एडजस्ट करके। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं इसको, इसको उसके बाद इतना ठीक है। उसके बाद ग्रीन पे जाने के बाद ग्रीन पे भी देख लेते हैं इतना बाल का दिख रहा है। उसके बाद ब्लू पे जाने के बाद ये बवाल का कलर टोन आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक कर देने के बाद इसका शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा और इसके बाद यहाँ से नॉइज़ डिटेक्शन को भी बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद नॉइज़ इसको भी बढ़ा करके यहाँ से स्मूथनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं फोटो कितना बवाल का हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं कितना एच डी क्वालिटी का हो चुका है फोटो, बिल्कुल बवाल का देख रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं तो यहाँ से एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप सब अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाएं तो प्लीज़ दबा लें ताकि मैं इसी कंसेप्ट लेकर के आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी इसी तरीके का एडिटिंग कर पाएँ दोस्तों। और अभी तक वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी कर दीजिए। और चलिए दोस्तों फिर से न्यू वीडियो में मिलते हैं न्यू कंसेप्ट के साथ।